एंड वेलकम टू पिलर फॉर्म। आई एम अली डॉक्टर सोशियोलॉजी टीचर एट पिलर फॉर्म। सो अभी हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे जो हमारे एग्जाम हुए 17 जून 2023 को। सो एग्जाम हो चुके हैं, आंसर की अभी नहीं आई हुई है, लेकिन हम लोग कट ऑफ मार्क्स को एक्सपेक्ट करते हैं कि कितनी कट ऑफ आ सकती है, तो आइए देखते हैं। उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर दूँ कि हमारा जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो 2 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो रहा है दिसंबर 2023 के लिए। सो जो लोग भी अभी भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं वो ले सकते हैं और कोड यूज कर लें अलीम 10 का, जिसमें उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो अभी से आप लोग ले लीजिए सब्सक्रिप्शन, ताकि मतलब आपको तैयारी करने में कोई भी दिक्कत ना हो। इस बार हम लोग नए स्ट्रेटेजी के साथ आ रहे हैं, और इस बार जिन लोगों के भी जारेफ नहीं होने वाले हैं उनको अगली बार हम लोग दिसंबर में पूरी कोशिश रहेगी कि उनका जारेफ हो। पूरी तरीके से हम लोग नए तरीके से तैयारी कराएंगे और नए मेथड्स यूज करेंगे जिससे हमको कोई दिक्कत ना हो जेआरएफ क्वालिफाई करने में। तो आइए देखते हैं कट ऑफ क्या हो सकती है। तो इसमें सबसे पहला जो चीज़ होता है वो क्या होती है कि एनटीए जो एग्ज़ाम कराता है उस एग्ज़ाम में दो चीज़ें होती हैं, एक तो जेआरएफ होता है नेट और जेआरएफ, और दो चीज़ें होती हैं नेट और दूसरा क्या होता है जेआरएफ होता है। दोनों में फ़र्क क्या है? नेट क्या होता है, आपको असल जो एग्ज़ाम है ये नेट का ही। नेट एग्ज़ाम में आपको क्या होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं ऑल इंडिया के लिए। अगर आप एनटीए नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप ऑल इंडिया जो है कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जेआरएफ का क्या मतलब होता है? जेआरएफ में जब आप जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं तो ये है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप कहीं पे इनरोल होते हैं पीएचडी में तो आपको फेलोशिप मिलती है जेआरएफ की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको तकरीबन 36,500 मिलती है अलाउंसेस जोड़ के, अभी थोड़ा बढ़ गया है 37,000 हो गया शायद, तो अलाउंस मिला के वो 39 तक हो सकता है पहुंच जाए। तो जेआरएफ का मतलब यही होता है, जब आप पीएचडी में इनरोल होंगे और आप जिस दिन जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं विद इन 2 ईयर आपको इनरोल होना पड़ता है जेआरएफ के लिए, तभी आपको ये फेलोशिप मिलेगी। और ये भी ऑल इंडिया वैलिड होती है, लेकिन ये 2 साल के लिए वैलिड होती है। और जो नेट होता है ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होती है, नेट हमेशा लाइफ टाइम के लिए वैलिड होती है। अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं एक बार तो आप लाइफ टाइम के लिए ऑल ओवर इंडिया जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए या कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक, देखते हैं फिर कट ऑफ क्या हो सकती है। तो अभी हम लोग अगर 2021 की कट ऑफ देखिए तो यहाँ पे 2021 की जो सोशियोलॉजी की कट ऑफ थी वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 200 थी। ठीक, ज़्यादातर जो कट ऑफ देखी जाती है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही देखी जाती है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ जाती है वो अनरिजर्व के लिए ही जाती है। तो 200 कट ऑफ की नेट की, 200 कट ऑफ की नेट की, जिसमें 622 लोगों ने नेट क्वालिफाई किया था, और 218 कट ऑफ की जेआरएफ की, ये 2021 की कट ऑफ। ठीक, 218 थी जेआरएफ की जिसमें 145 लोगों ने क्वालिफाई किया था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 184 कट ऑफ गई थी, 156 लोगों ने क्वालिफाई किया था, 208 जेआरएफ की गई थी जिसमें 34 लोगों ने क्वालिफाई किया। इस तरह से बाकी कट ऑफ आप देख सकते हैं। तो जनरली 2 कट ऑफ हम लोगों ने देखा है, अनरिजर्व की 200 और ईडब्ल्यूएस की 184। ये 2021 की कट ऑफ थी। अब यहाँ पे देखिएगा 2021 में जो कट ऑफ थी वो 218 थी, 218 थी और 200 थी, ठीक, नेट की 200 और जेआरएफ की 218। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में जो सोशियोलॉजी की कट ऑफ थी वो अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी वो 230 है, नेट की 202 और जेआरएफ की 230। नेट की कट ऑफ की 202 और जेआरएफ की 230, 689 लोगों ने नेट क्वालिफाई किया था और 74 लोगों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया था। ईडब्ल्यूएस 179 ने किया था और 220 कट ऑफ थी इसकी जेआरएफ की और
बढ़ा दी है। ठीक, 18 लोगों ने जारेफ वाली टीम ट्राई किया था जारेफ के लिए। तो देखिए वहाँ पे 218 से 230 पहुँच गया, 12 नंबर का फर्क आ रहा है। ठीक, 218 से 230 12 नंबर का फर्क आ रहा है। ऑल्दो 2021 के मुकाबले में 2022 का जो पेपर था वो थोड़ा आसान था, मॉडरेट। ठीक, जिस वजह से कट ऑफ इतनी हाई गई, लेकिन हमेशा हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कट ऑफ पिछली बार से एटलीस्ट 5 नंबर प्लस और माइनस 5 नंबर जो है वो बढ़ती ही बढ़ती है। ठीक, तो 5 नंबर एटलीस्ट हम मान के चलते हैं कि इतनी बढ़ती है। और तो अगर इस बार की हम लोग बात करें तो इस बार पेपर थोड़ा सा ईजी था, थोड़ा मतलब सोशोलॉजी का पेपर ईजी कह सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, 15-20 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा टफ थे, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उन सब के बारे में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिलेबस के बाहर भी आते हैं, तो उनको उनकी वजह से कट ऑफ हाई जाए। फालतू अगर देखा जाए डर टीम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो आसान थे, कॉन्स्टिट्यूशन कंजप्शन जो हर पेपर में पूछा जाता है तो एक जनरल क्वेश्चन थे, और कोडिंग के जितने क्वेश्चन थे अगर आप एक मैच कर ले रहे हैं तो सारे मैच हो जा रहे थे। ठीक, एंटनी गिडेंस की बुक की क्रोनोलॉजी पूछी गई थी जो सिलेबस में पहले से ही है, डर्किन की बुक के बारे में पूछा गया था, ऐसे बहुत सारे कोड में जो मैच किए जाने थे जनरल कॉन्सेप्ट पूछे गए थे, बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं पूछे गए थे। ऑल्दो जो कोड में और कॉन्सेप्ट थे वो तो टफ थे, लेकिन एक कोड अगर आप मैच कर ले रहे हैं तो सारे कोड मैच हो जा रहे थे, और एक कोड मैच करना बहुत आसान था। उस वजह से हम ये बात कर सकते हैं कि फर्स्ट पेपर जो था वो थोड़ा सा टफ था, उसमें रीजनिंग और डीआई थोड़ा सा टफ आया हुआ था। तो अगर उस बेस पे बात करें तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि कट ऑफ पिछली बार से कम जाएगी, पिछली बार से ज़्यादा ही जाएगी, चाहे वो 2 नंबर ही ज़्यादा जाए। तो हम लोग जो कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें, वो कट ऑफ मुझे जहाँ तक लगता है कट ऑफ जो जारेफ की जाएगी वो प्लस और माइनस जो है 230 जो है कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि पेपर वन की वजह से अगर कट ऑफ थोड़ा लो होगी तो 230 प्लस और माइनस जो है 5 होगा। प्लस मतलब 235 भी जा सकती है और माइनस मतलब 225 भी हो सकती है, जो होगी सिर्फ फर्स्ट पेपर की वजह से। सेकंड पेपर मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, फर्स्ट पेपर की वजह से हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा लो जाए, लेकिन 225 के नीचे कट ऑफ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह EWS का भी आप प्लस और माइनस, पिछली बार की जो 2022 की कट ऑफ है उसमें प्लस और माइनस 5 कर सकते हैं हम। तो कट ऑफ हम यही मान के चल रहे हैं अभी कि 225 से 235 के बीच में ही कट ऑफ आ सकती है। अभी आंसर की आएगी, उसके बाद हम लोग उसमें देखते हैं कि क्या क्या और एक्सपेक्टेशन हो सकती है, क्योंकि देखिए आंसर की आने के बाद क्वेश्चन के क्या आंसर हैं और उस बेसिस पे लोगों ने क्या आंसर किया है, किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहे स्टूडेंट के, उस तरह से हम बात कर सकते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन आपको अभी दिमाग में आ रहे हों वो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर क्या होगा, ये पूछ सकते हैं आप कमेंट करके, तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। आप लोगों ने अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लीजिए, 2 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट होगा, और कोड आप यूज़ कर सकते हैं अलीम 10 का, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।